अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज हम जो है वो न्यू वीडियोस के साथ आ चुके हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था किस तरह हम लिंक्डइन का अकाउंट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज किस तरह बनानी है, ये सारी चीज़ें विद इन डिटेल हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। आज की वीडियो में जो है वो हम इंशाल्लाह लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है वो चीज़ें सीखने जा रहे हैं, और लिंक्डइन पे आप लोग किस तरह पोस्ट लगा सकते हैं वो चीज़ सीखने जा रहे हैं। इसके अलावा आप लिंक्डइन पर किस तरह से जो है वो रैंक कर सकते हैं या कौन से ऐसी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करें कि आपके लिंक्डइन के इंप्रेशंस या क्लिक्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलें जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जी। यहाँ से मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ से मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया। अब जो पहले हमने कल अकाउंट बनाया वो भी हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। चलें, ये अकाउंट हमने क्रिएट किया था। अब इसमें पता क्या इशू आएगा, जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे एसईओ क्लाइंट हंटिंग के लिए, हम जो है डिफरेंट कीवर्ड्स के जरिए, डिफरेंट वर्ड्स के जरिए और डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जरिए क्लाइंट हंटिंग करेंगे, वो सारी की सारी इन डिटेल इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलें, सबसे पहले जो है हम एक कीवर्ड लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ न्यू प्रोफाइल पर आपको कौन कौन से इशूज आ सकते हैं। जैसे हमने लिखा एसईओ, जैसे हमने ये सर्च किया आपके पास यहाँ पे आ गया जी जॉब्स, पोस्ट, ग्रुप, प्रोडक्ट, कंपनीज, पीपल, यानी ये सारी चीज़ें फिल्टर हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, फिल्टर। हम स्टार्ट में जो है वो लिंक्डइन पर लोगों को आउटरीच करेंगे। क्या चीज़ आउटरीच करेंगे, लोगों को। हम पीपल पे चले जाएंगे। आप पीपल पे जाके आप जैसे ही जाएंगे आपको ना लिंक्डइन मेंबर लिखा नजर आएगा। अब लिंक्डइन मेंबर का मतलब ये है कि ये अभी आप इनको यानी कनेक्शन नहीं भेज सकते। अब इसके बाद कनेक्शन क्या चीज़ है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कनेक्शन बेसिकली आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट है। आप किस तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कनेक्शन होते हैं। फर्स्ट का मतलब है कि आप किसी के साथ पहला कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। सेकंड का मतलब है कि आप किसी के साथ म्यूचुअल में है और वहाँ से आपका सेकंड कनेक्शन बन रहा है। और थर्ड का मतलब होता है आप पिछले दोनों के साथ म्यूचुअल में हैं, यानी पिछले दोनों के साथ आपका ऑलरेडी कनेक्शन है और आप थर्ड कनेक्शन जिसके साथ बनाने जा रहे हैं वो उन दोनों का भी दोस्त है। इस चीज़ को बोलते हैं थर्ड कनेक्शन। और ये इतने मैटर नहीं करते, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड कनेक्शन है। आप लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर देखें यह लिंक्डइन मेंबर शो होगा। स्टार्ट में आप जो है वो अपने दोस्तों को जिनकी आईडीज़ न्यू हों या जो आपको जानते हो, आप पाकिस्तान लगा लें, यहाँ से उनको जो है वो डेली बेस पे दो चार कनेक्शन ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट विद इन 7 डेज जो है वो रनिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में उन लोगों को आपने कनेक्शन भेजना है जिनके लिंक्डइन मेंबर है ना लिखा हो, वो आपने ढूंढने हैं यहाँ से। अभी ये देखें लिंक्डइन मेंबर है सबके। हम सेकंड पेज पर देख लेते हैं कोई मिल जाए जिसके लिंक्डइन मेंबर है ना लिखा हो। यानी ये सारे के सारे आप वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे खुद। आप स्टार्ट में इस तरह से जो है वो लिंक्डइन पे रहेंगे कि आपके लिंक्डइन मेंबर खत्म होना स्टार्ट हो जाए। यानी आप वन बाय वन किसी को भी यहाँ पे पाकिस्तानियों को जिन पे लिंक्डइन मेंबर ना आ रहा हो उनको कनेक्शन भेजेंगे। अभी ये देखें सारे के सारे लिंक्डइन मेंबर आ रहे हैं। आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, एसईओ के अलावा कुछ और लिखें ताकि हमारे पास, ये देखें ये साल शेख आ गया, एक बंदा ऐसा हमें मिल गया जिसको हम कनेक्शन भेज सकते हैं। अब जब हमने कनेक्शन भेजना है सिंपल, स्टार्टिंग में तो अभी हम वैसे ही कनेक्शन है सेंड कर देंगे। जब हमने क्लाइंट्स को सेंड करना है वहाँ पर नोट भी लिखना है क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जैसे ये चला गया इसको कनेक्शन, आपने इस तरह जो है अपने कनेक्शन स्टेबल कर लेने हैं। आप इस लिंक्डइन आईडी पे तो कनेक्शन शो नहीं हो रहे, लेकिन जो मैं आपको क्लाइंट हंटिंग सिखाने जा रहा हूँ वो हम दूसरी लिंक्डइन आईडी ओपन कर लेते हैं जो मेरी ओरिजिनल है। हम वहाँ पर जाके जो है क्लाइंट हंटिंग प्रॉपर सीखते हैं। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और इंतहाई जो है वो अट्रैक्टिव वीडियो आपके लिए होने जा रही है, क्योंकि इसमें जो है वो सारी की सारी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो लिंक्डइन की बताऊंगा कि हम किस तरह से प्रॉपर लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है वो सर्च हिस्ट्री में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, सर्च हिस्ट्री में। अब इस वीडियो में जो हम क्लाइंट हंटिंग के मेथड सीखेंगे उसमें सबसे पहले हम किस तरह से एसईओ के वर्ड से क्लाइंट हंट करना सीख सकते हैं, किस तरह से हम क्रिएटर्स को फाइंड आउट करके क्लाइंट हंटिंग सीख सकते हैं, और किस तरह से हम कमेंट से क्लाइंट हंटिंग सीख सकते हैं, और किस तरह से जो है हम वो कंपनीज फाइंड आउट कर सकते हैं जो पहले ही हमें या हम जैसे लोगों को हायर कर रही है। ये चार मेथड इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे। सबसे पहले हमने एसईओ वर्ड लिखा। एसईओ को हमने क्या कर देना है, ये सर्च। जैसे हम इसको सर्च करेंगे इसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे पीपल भी आ जाएगा, ग्रुप, जॉब, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमने चले जाना है जी पीपल्स में। पीपल में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगी कि आप किस कंट्री में
क्लाइंट हंटिंग करना चाह रहे हैं। अब सपोज करें मैं यूक्रेन में हंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यूक्रेन लगा दूंगा, मैं इटली में हंट करना चाह रहा हूँ तो इटली लगा दूंगा, मैं जर्मनी में हंट करना चाह रहा हूँ जर्मनी लगा दूंगा, मैं यूनाइटेड किंगडम के क्लाइंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो मैं यूनाइटेड किंगडम लगा दूंगा। यहाँ से हम चलते हैं जी, चले यूनाइटेड किंगडम में लगा लेते हैं, हम यूनाइटेड किंगडम में चले जाते हैं। मैंने शो रिजल्ट्स पे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया बहुत सारी आईडीज यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल हम एक किसी भी आईडी को जी ओपन इन न्यू टैब कर लेते हैं। जैसे हम इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे तो ये आपके पास लिंक्डइन की आईडी ओपन हो जाएगी। अब लिंक्डइन का कनेक्शन सेंड करने से पहले आपने इस बंदे की कौन कौन सी चीज़ें नोट डाउन करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्लू पॉइंट्स हैं कि क्या ये हमारा क्लाइंट बन सकता है या हमारा क्लाइंट नहीं बन सकता। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके कॉन्टैक्ट इन्फो में जाना है, कॉन्टैक्ट इन्फो में जाके ये देखना है क्या इस बंदे की अपनी तो कोई वेबसाइट नहीं है, अगर इसकी वेबसाइट होगी तो इसने वो कॉन्टैक्ट इन्फो में ऐड की होगी। यहाँ से अभी हम देखते हैं, ये अभी लोड हो रहा है तो हम अभी कॉन्टैक्ट इन्फो आ, अभी ये देखें इसकी जस्ट प्रोफाइल का लिंक है, इसका मतलब इसकी अपनी कोई भी वेबसाइट नहीं है। अब ये बंदा एसईओ स्पेशलिस्ट है लेकिन वो किसी कंपनी में काम कर रहा होगा, यहाँ से ये आइडिया हो गया। ये आपके वो क्लू पॉइंट्स हैं जिनसे आप क्लाइंट्स को अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपको पता चल जाता है जो क्लाइंट है वो ओरिजिनल है। यहाँ से हमने क्या करना है, देखना है कि इसको डायरेक्ट मैसेज हमारा सेंड होता है या नहीं, लेकिन हमारा लिंक्डइन प्रीमियम नहीं होगा तो इसको डायरेक्ट मैसेज सेंड नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, इसको कनेक्शन भेजना है, कनेक्शन भेजने से पहले इसकी एक्टिविटीज को नोट करना है, क्या ये एक्टिविटीज़ कर रहा है कोई, इसका लिंक्डइन बहुत पुराना तो नहीं है, ये ना हो कि ये एक्टिव ही ना हो। आपने थोड़ी बहुत इसकी एक्टिविटी को एनालाइज करना है, क्या ये कोई पोस्ट कर रहा है, किसी को रिएक्शन दे रहा है, किसी को लाइक कर रहा है, यानी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए इसने कुछ दिन पहले लाइक किया है 3 वीक्स, मतलब ये थोड़ा बहुत एक्टिव है। और किस तरह की पोस्ट को लाइक करता है आप वो चीज़ भी देख सकते हैं। आप अपने कनेक्शन में जिन लोगों को ऐड करेंगे वही लोग ऐड करें जो आपके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आप एसईओ वाले लोग देखें वो किस लोगों को लाइक कर रहे हैं तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें भी अपनी प्रोफाइल पे इस तरह की पोस्टें लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कनेक्शन में लोग हैं वो किस तरह के लोगों को लाइक करते हैं। यहाँ से देखें इसने जिसको भी लाइक किया वो या सीईओ है या को फाउंडर है, कंपनीज है या पेज को लाइक किया हुआ है, यानी इस तरह इसकी जो आप एक्टिविटी है वो चेक करेंगे। जैसे हमने इसकी एक्टिविटी चेक कर ली, एक्टिविटी को भी देख लिया, आप इसका थोड़ा सा अबाउट देखेंगे, अबाउट की पहली एक लाइन शॉर्ट, हमें पता लग जाएगा ये किस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट है या कौन सी फील्ड से ये ज़्यादा ताल्लुक रखता है। अब देखते हैं इसने अबाउट ऐड ही नहीं किया, इसने अपना लिंक्डइन जो है वो ऑप्टिमाइज ही नहीं किया। चलें कोई बात नहीं है, हम यहाँ से क्या करते हैं इसको अब कनेक्ट भेजेंगे। अब आप कनेक्ट कैसे भेजेंगे, कनेक्ट के दो जान हैं, एक तो ये है कि आप उसे शॉर्ट कोई भी लिखें कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, आपका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लें। दूसरा यह अपनी स्किल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दें। चले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हाय, इसके बाद इसका नाम लाजमी लिखना है, जिसको भी आप देखेंगे नाम आपने लाजमी लिखना है। इसका मैं यहाँ से नाम लिख लेता हूँ, चलें ये मैंने नाम लिख लिया। अब मैं इसको पता क्या कहूँगा, वुड यू लाइक टू ऐड मी इन योर कनेक्शन, ये चीज़ लिखें, साथ में लिख दें चेयर्स, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा करें और बाद में अपना नाम लिख लें। अब ये चांसेस है इस टेम्पलेट से आपका कनेक्शन जल्दी एक्सेप्ट हो सकता है। अब इस ऐड अ नोट की जगह पे हम जो है वो भी लिख सकते हैं क्या जी, अपना टेम्पलेट, अपनी स्किल का भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर आपको वो टेम्पलेट भी चाहिए हो तो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, अगर फिर भी डिस्क्रिप्शन में ऐड ना हो तो आप उनसे व्हाट्सएप पर भी वो सेंड करवा सकते हैं। यहाँ से ये आपने नोट भेज दिया, ये जी वो बंदा था एक जिसको हमने अपना क्लाइंट समझ के मैसेज किया। अब जब ये कनेक्शन हमारा एक्सेप्ट करेगा तो उसके आगे जो है वो इसके बाद हम अपनी सर्विसेज के बारे में इसको बताएंगे कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और इस सर्विसेज से ये बेनिफिट होने वाले हैं। ये चीज़ें सारी हम बाद में बताएंगे जब ये हमारा कनेक्शन एक्सेप्ट कर ले। ये था एसईओ के वर्ड से, आप डिफरेंट कंट्रीज लगा के इस तरह जो है डिफरेंट क्लाइंट हंटिंग एसईओ के वर्ड से कर सकते हैं। क्या एसईओ के वर्ड के अलावा भी हम किसी वर्ड से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे दूसरा वर्ड जो सीखते हैं वो है क्रिएटर। अब क्रिएटर जो वर्ड है उससे भी हम क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। आपने सिंपल लिंक्डइन के सर्च हिस्ट्री में लिखना है क्रिएटर, जैसे मैंने क्रिएटर लिखा ये अभी सर्च हो रहा है। जैसे सर्च हुआ आपने यहाँ पे चले जाना है जी पीपल में,
आप यहाँ पे वीडियो क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर, यूट्यूबर, यानी सारे के सारे वो लोग आ जाएंगे जो ऑनलाइन फील्ड के बिल्कुल साथ जुड़े होंगे और उनकी वेबसाइट भी लाजमी होगी, डिजिटल होंगे। यानी क्रिएटर हमेशा उसको कहते हैं जो ऑनलाइन फील्ड में, हमारी लिंक्डइन पे वही क्रिएटर होगा जो ऑनलाइन फील्ड में कोई चीज़ क्रिएट करता है, जैसे वीडियो कंटेंट क्रिएटर है। यहाँ से भी हम किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट में क्रिएटर देखते हैं कौन कौन से, और क्रिएटर भी हमारे क्लाइंट है, बन सकते हैं। यहाँ से देखें, ये क्रिएटर है जी, ये भी क्या है जी, कंटेंट क्रिएटर है, ये सोशल मीडिया है। हम एक आईडी यहाँ से क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये हर मेथड से मैं वन बाय वन जो है एक आईडी ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि लेक्चर बहुत लंबा भी ना हो जाए और आपको चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड भी हो जाए, समझ भी आ जाए। जैसे मैंने ये आईडी जो है वो ओपन की है, यहाँ से ये देखें। अब यहाँ से फिर आपने चीज़ें वही चेक करनी है कि किस चीज़ के रेलिवेंट है, क्योंकि जब हम उसको उसकी लैंग्वेज में जवाब देंगे, हमने उसकी आईडी को देखा होगा, तो हमें ये आइडिया होगा कि उसका अबाउट किसके रेलिवेंट है या उसकी जो मेन हेडलाइन है वो किसके रेलिवेंट है। जब हम इसे अपना जो टेम्पलेट है वो सेंड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही सेंड करेंगे, हम इसे बताएंगे आप जो है वो एक क्रिएटिव और क्रिएटर हैं। अगर आप क्रिएटर हैं तो आपने कोई वेबसाइट भी बनाई होगी, तो अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट को डिजिटलाइज करना चाहते हैं या लोगों की अपेयरेंस चाहते हैं या प्रेजेंस ऑनलाइन रखना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे ओपी जैसो की सर्विसेज ले सकते हैं, आप हमसे लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसके जरिए हम आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेजेस में शो करवा देंगे। यानी ये चीज़ें आप उसको बताएंगे। यहाँ से हमने मैसेज पे सबसे पहले देखना है, अगर मैसेज करने की ऑप्शन होगी तो सबसे पहले इसे मैसेज करना है और इसके बाद जो है वो कनेक्ट भेजना है। अब मैसेज की ऑप्शन नहीं है, हम इसे कनेक्ट भेजेंगे। अब हम यहाँ पे जी इसको अपनी फील्ड का भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या जो सिंपल टैबलेट है वो भेज सकते हैं। हम सिंपल टैबलेट पहले भेजेंगे ताकि हमारा कनेक्शन एक्सेप्ट हो। जब हमारा कनेक्शन एक्सेप्ट होगा फिर हम डिटेल बात कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू ऐड मी इन योर कनेक्शन, यानी आप चाहते हैं कि मैं आपके कनेक्शन में ऐड हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करें। चीयर्स, यहाँ पे एंड पे अपना नाम लिख लें, जो भी आपकी लिंक्डइन आईडी का नाम है। ये सिंपल आप उसको नोट सेंड कर सकते हैं। ये क्रिएटर भी आपके क्लाइंट बन सकते हैं। क्रिएटर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, आपने इन्हें इन्हीं की लैंग्वेज में बताना है कि आप जो है आप क्रिएटर हैं, तो आपने लाजमी बात है एक वेबसाइट भी बनाई होगी जिस पे आप डेली बेसिस पे अपनी सर्विसेज बेचते होंगे या डेली बेसिस पे अपना कंटेंट पब्लिश करते होंगे, लेकिन आप परेशान होंगे कि वेबसाइट रैंक नहीं हो रही या परेशान होंगे कि लीड जनरेशन नहीं हो रही या मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो मैं अवेलेबल हूँ आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक गेन करने के लिए, आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेजेस में रैंक करने के लिए। आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आप उसे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि मेरे पास ये डाटा बेस है जिससे मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकता हूँ। वो डाटा बेस में क्या होगा, हमारे पास जो वेबसाइट कलेक्ट की होंगी वो हम उन्हें शो ऑफ करवा सकते हैं। जिस कैटेगरी के रेलिवेंट उनकी वेबसाइट होगी उस कैटेगरी के रेलिवेंट ही हम उन्हें साइट्स को भी शो करवा सकते हैं। यह था वो मेथड जिसके जरिए हम दो कीवर्ड्स मैंने सिखाए आज के मेथड में। इसके अलावा भी कीवर्ड्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको सिखाता रहूँगा। इसके अलावा जो मैंने बात की, चार हमने आज मेथड सीखने हैं लिंक्डइन पे, दो मैंने बता दिया। इसके बाद थर्ड ऑप्शन ये था कि हम किस तरह से कमेंट से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम किसी भी गोरे की पोस्ट के नीचे और वहाँ से जो लोग वहाँ पर कॉमेंट कर रहे होंगे वहाँ से हमने क्लाइंट हंटिंग किस तरह से करनी है। चलें, ये लिंक्डइन पे चले गए, यहाँ पर जाके हमने क्या करना है जी, ये देखें, ये गोरे की पोस्ट है, इसके नीचे 28 लोगों के कमेंट हैं। हम देखेंगे, अब ये वो लोग होते हैं जो एक्टिव लोग हैं, इनको जो मैसेज करेंगे तो जल्दी चांसेस है हमारा मैसेज एक्सेप्ट हो या हमारा कनेक्शन जो है वो एक्सेप्ट हो। चलें ये देखें जी, हम चलते हैं, जैसे ये एक बंदा है, इसको ओपन कर लिया, बंदा है या बंदी है, मैंने कमेंट से एक बंदी को ओपन कर लिया जी। अब इसकी लिंक्डइन आईडी को देखेंगे, आप इसको कनेक्ट भी भेज सकेंगे हर चीज़। अब देखें, ये एसईओ के बारे में ही है जी, कीवर्ड है एंड डायमंड्स, ठीक है, यानी ये सारा का सारा एसईओ के रेलिवेंट ही एक लड़की है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका अबाउट देख सकते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से इसकी कॉन्टैक्ट इन्फो भी देख सकते हैं, यहाँ से आप इसे मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे मैसेज भी कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने मैसेज पर क्लिक किया, ये अभी लोड हो रहा है, जैसे ये मैसेज का ऑप्शन ओपन हो जाता है ये हमें पता चल जाएगा। जो आपको कमेंट सेक्शन के मोस्टली लोग मिलेंगे उनको आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते होंगे, ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप लिखें कोलैबोरेशन, हमारी फील्ड का नाम है योपेज एसईओ और बैकलिंक्स, कोलैबोरेशन फॉर बैकलिंक्स, हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैं बैकलिंक्स के लिए कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, ठीक है।
या आप इसे यहाँ पे लिखेंगे हाय, इसका नाम लिखें एल, यानी इसका जो भी नाम है आप वो लिखेंगे। यू आर, इसके बाद आप लिखें आई, यहाँ आई विजिटेड योर, आई विजिटेड योर प्रोफाइल एंड सीन दैट, मैं देख चुका हूँ यू आर SEO स्पेशलिस्ट, आप SEO स्पेशलिस्ट हैं। एंड आई वॉन्ट टू कोलेबोरेट विद यू, आपकी ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात मैच करे, फॉर बैकलिंक्स, वुड यू नीड एनी बैकलिंक्स राइट नाउ, अगर आपको एसटीएम बैकलिंक की जरूरत है, यू विल बी अप्रोच टू मी, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड, ये जो मिस्टेक होंगी हम रिमूव कर देंगे, यानी अपना नाम, उसका नाम मेंशन करने से आप इतने अट्रैक्टिव बन जाते हैं जो आपकी उसके नज़र में पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि आप जो है उसको मेंशन कर रहे हैं, उसको रीड आउट करके उसके बाद जो है वो मैसेज लिख रहे हैं, ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। जब आपने उसकी प्रोफाइल ओपन की थी उसको एक प्रोफाइल व्यू भी गया है, यहाँ से हम इसे कर देंगे सेंड, ये देखें इस तरह से जो है वो कमेंट से कोई भी क्लाइंट निकाल के हम उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम किस तरह से वो कंपनीज फाइंड आउट कर सकते हैं जो ऑलरेडी लोगों को हायर करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, हायर करना चाह रही है। हम यहाँ पे सिंपल जो है वो जाएंगे SEO में, यहाँ पे SEO वर्ड जो है वो सर्च कर दें, जैसे हम SEO वर्ड सर्च करेंगे हमने आगे कहाँ जाना है वो बताता हूँ, ये देखिए सिंपल आप क्या करें SEO का वर्ड यहाँ पे क्या कर दें सर्च कर दें, और आप यहाँ पे चले जाएंगे अब जॉब्स के पोर्शन में, अब जो कंपनी जॉब्स वहाँ पे अलाउ करके बैठी है या वो चाह रही है कि मुझे जॉब वाला पर्सन चाहिए, तो लाजमी बात है वो कंपनी को फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी भी जॉब वहाँ पर अप्लाई किस तरह से करना वो नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि लिंक्डइन का एक सेपरेट कोर्स भी मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें हम प्रो लेवल का लिंक्डइन सिखाएंगे आपको, एडवांस लेवल पर किस तरह आपने करियर पोस्ट बनानी है, किस तरह आपने इंफॉर्मेशनल पोस्ट बनानी है, किस तरह आपने जो है वो कमर्शियल पोस्ट बनानी है, किस तरह आपने पीपल इंगेजिंग पोस्ट बनानी है, डिफरेंट तरह की पोस्टें किस तरह से बनानी है, आपने इन मेथड्स के अलावा भी किस तरह से लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग करनी है। हम ये देखने जा रहे हैं हम किस तरह से वो कंपनी फाइंड आउट करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी जॉब पोस्ट करके बैठी हुई है, या जो ऑलरेडी जो है वो जॉब पोस्ट करना चाह रही है, या जिसने पोस्ट की हुई है, या फ्यूचर में भी हमें हायर कर सकती है। हमने उसके लिए क्या करना है, सिंपल जाके लिंक्डइन की ही सर्च हिस्ट्री में लिखना है SEO, यहाँ से आपने सर्च आउट कर देना है, आपने चले जाना है जी, यहाँ पे पीपल भी आ जाएगा, कंपनीज भी आ जाएंगी जिस तरह से पहले आ रहा था, ये अभी मैंने सर्च कर दिया है, अभी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपने चले जाना है जॉब्स पे। अब डिफरेंट कंपनीज ने यहाँ पे जॉब जो है वो ओपन की होती है, आप जिस भी कंट्री में देखना चाहते हैं आप वो फिल्टर भी लगा सकते हैं, यहाँ से आप यूनाइटेड स्टेट लगा हुआ है ये देखें, आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं कोई भी एक जो है वो ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये है SEO कॉन्टेंट एडिटर, ये ओपन कर ली। अब ये आपने ये लाजमी फाइंड आउट करना है ये जॉब किस कंपनी ने पोस्ट किया है, जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपको उस कंपनी का नाम शो होगा, ये देखें ये है जी B12 इस कंपनी का नाम है जिसने ये जॉब पोस्ट किया। अगर आप ये कंपनी डायरेक्ट भी लिंक्डइन पे सर्च करेंगे तो ये वहाँ पे सर्च हिस्ट्री में नहीं आएगी, आप ऐसे लिखेंगे ये नहीं आएगी, आपने यहाँ पर इसके एम्प्लॉयज़ में जाना है और इस कंपनी का जो CEO है उसके साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड आउट करना है। यहाँ पे सिंपल जाएं तो आपने यहाँ पे सर्च हिस्ट्री में जाके क्या लगाना है CEO, यहाँ से CEO लगाएंगे तो चांसेस हैं हमारे पास इस कंपनी का CEO ओपन हो जाए। यहाँ से इस तरह ये देखें ये इस कंपनी का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव को फाउंडर एंड CEO ये ओपन हो गया, आप इसको ओपन कर लें, यानी इसके साथ आप लोगों ने कनेक्शन बिल्ड करना है। ये भी बहुत अट्रैक्टिव वे है क्लाइंट हंटिंग का ऑन लिंक्डइन पर, यहाँ से भी आप जो है आगे जो मेथड है इसको मैसेज सेंड करने का वो वही है, इसे कनेक्शन में ऐड कर लें, इसे जो है डायरेक्ट मैसेज सेंड कर लें, जिस तरह भी मैसेज आप करना चाहें आप इसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। वो टेम्पलेट्स किस तरह से सेंड करने हैं वो हमने देख लिया, आप जो टेम्पलेट चाहिए वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं, और इसी तरह जो है लिंक्डइन का प्रो कोर्स जो है वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसमें आपको हर चीज़ ईच एंड क्लियर गोरे वाला लिंक्डइन जो है वो सिखाएंगे किस तरह आप लिंक्डइन को एक ऑथेंटिक लेवल पर प्रोफेशनल लेवल पर चला सकते हैं,
किस तरह प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरह फीचर्ड पोस्ट ऐड कर सकते हैं, किस तरह करियर पोस्ट बना सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो सारे का सारा एक ऑथेंटिक क्रिएटर मोड पे किस तरह काम कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, और आप किस तरह से मजीद भी लिंक्डइन पर क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। ये सारे का सारा प्रो कोर्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करेंगे। आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। इसी के साथ हम इस लेक्चर को करते हैं जी एंड जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।